एक डिजिटल स्कूल बनने के लिए टीचमेंट पे लाइव क्लासेस देना तो सिर्फ पहला कदम था। असली डिजिटल तो हम तब से हुए जब से बीना मैडम को ऑटोमेटिक टेस्ट करेक्शन मिला। तब उनका पूरा ध्यान बच्चों पर है, पेपर वर्क पे नहीं। हम डिजिटल तब से हुए जब से राहुल को क्लास रिकॉर्डिंग्स मिली। अब राहुल को जब हमारी जरूरत है हम उसके साथ हैं। हम डिजिटल तब से हुए जब से मुझे पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस अपने सामने दिखने लगी। अब मैं हर वक्त हर बच्चे की जरूरतें समझ सकता हूँ और आखिर यही तो ड्यूटी है मेरी, नहीं? अब काम तो हमारा टीचमेंट के बिना भी चल रहा था, लेकिन जब बात टीचिंग की हो तो सिर्फ काम चलाने से काम नहीं चलता। अब होगी नए जमाने की नई स्कूलिंग टीचमेंट पे। आइए साइन अप करें teachment.com/institute पे और बनाएं अपने स्कूल को फ्यूचर रेडी। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। दोस्तों यूपी फ्री लैपटॉप योजना से रिलेटेड यहां पर सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हां जी दोस्तों, एक और कॉलेज से यूनिवर्सिटी से लिस्ट आ गई है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और AKTU छात्रों को लगा झटका। हाँ जी दोस्तों, AKTU छात्रों की यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है, वो भी बताने वाले हैं और आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है? चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हर वीडियो प्रॉपर वे में मिलता रहे, ठीक है? और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हुए हैं वो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए ताकि आपको सारी अपडेट और लिस्ट, ये लिस्ट देखिए टेलीग्राम पर मैं डालने वाला हूँ, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाओ, लिस्ट टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, ठीक है? ये लिस्ट मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है? चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ किस कॉलेज से नोटिस आया है। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर बिल्कुल लाइव देख सकते हो, ठीक है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल ऑफिशियली डेट देख सकते हो, 23 तारीख को नोटिस निकाला गया था। इसमें देखिए मेन टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? मेन टॉपिक देखिए इसमें क्या है, टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु सत्र 2021-22 के छात्रों के आंकड़े डाटा की प्रविष्टि सूची मुद्रण यानी कि सूची लिस्ट को चयन करके आंकड़ों की ऑनलाइन पद्धति से स्वीकृत एवं प्रमाणित किया जाना था। ये चीज देख सकते हो आप लोग। और देखिए मैं आपको पूरा बताने वाला हूं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा देखा जा रहा था कि अभी तक महाविद्यालय तथा द्वारा महाविद्यालयों के शास्त्री द्वितीय खंड तृतीय और आचार्य तृतीय सेमेस्टर शिक्षा शास्त्री द्वितीय खंड के प्रवेशित छात्रों के आंकड़ों को इस योजना हेतु स्वीकृत एवं प्रमाणित नहीं किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ आप लाइव देख सकते हो, ठीक है? बिल्कुल ऑफिशियली कि जो हमारे यहाँ पर देख सकते हो, अतः उत्तर प्रदेश के समस्त संबद्ध महाविद्यालय उक्त कार्यों को 26/11/2021 तक ऑनलाइन पद्धति से अपने कॉलेज लॉगिन के माध्यम से पूरा कर लें। रजिस्ट्रेशन की डेट भी बढ़ चुकी है, यहाँ आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए, इससे निर्मित उपलब्ध सूची को मुद्रित ओब्लिक प्रमाणित कर विश्वविद्यालय में अधोहस्तनरी के कार्यालय में दिनांक 29/11/2021 तक उपलब्ध करा दें हर हाल में। यहाँ पर आप लोग जो हमारे सचिव हैं उनके सिग्नेचर भी आप यहाँ देख सकते हो, नोडल अधिकारी के, ठीक है? बिल्कुल ऑफिशियली नोटिस है ये, ठीक है स्टूडेंट्स? अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं AKTU छात्रों के बारे में, ठीक है? आप यहां पर लाइव नोटिस देख सकते हो कि AKTU के छात्रों के लिए नोटिस निकाला गया है और यह है विषम सेमेस्टर 2021-22 में विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा के संबंध में नोटिस निकाला गया है। अब मेन बात करते हैं जो कि इस वीडियो में मेन टॉपिक ये रहेगा। जैसा कि आपको पता है AKTU के छात्रों का एग्जाम डेट यहाँ पर उन्होंने बात कर रहे हैं लोग एग्जाम कराने की। यहाँ पर आप मेन हेडिंग देख सकते हो कि जो उनकी परीक्षाएं हैं वो समय से कराए जाने की काफी सामना पड़ रहा था, ठीक है? अतः विश्वविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं को अधिनियत परीक्षा में निरंतर लाने के लिए पहले तरह से लाने के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति 22/11/2021 को संपन्न बैठक हुई थी, जिसमें यह बताया जा रहा था कि प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर कोर्स जिनमें लैटरी एंट्री होती है, जो लैटरी एंट्री रहती है उनको छोड़कर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर को छोड़कर और जितने भी आपकी समस्त
परीक्षाएं हैं वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कराई जाएंगी, अथवा उक्त कोर्स को लेटर एंट्री वाले जो एग्जाम है प्रवेश होता है उनकी परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह में होंगी। जो बच्चे लेटर एंट्री से हैं उनके एग्जाम फरवरी में होगा, और जो मतलब सिक्वेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो उनके एग्जाम भाई दिसंबर के लास्ट वीक में होगा, ठीक है। डेट शीट भी आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। तो इस नोटिस के माध्यम से जो एकेटी के छात्र है उनको बहुत बड़ा झटका लगा है कि एग्जाम अगले मंथ में है, एक मंथ भी कहाँ बचा। जो एकेटी के छात्र है उनसे जरा पूछिए क्या आपका सिलेबस हुआ है। अगर आप एकेटी के छात्र है तो मुझे यार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो एकेटी स्टूडेंट्स की नोटिस हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप यहां पर लाइव बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 3.18 लाख स्टूडेंट लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। मेरठ सरकार है, मेरठ राज्य सरकार डिग्री द्वारा कॉलेजों के रेगुलर कोर्स में पंजीकृत स्टूडेंट्स को टैबलेट स्मार्टफोन देने के लिए चौधरी चरण सिंह, देखिए चौधरी चरण सिंह वाले बच्चे यहाँ पर सुन लीजिए, 3,18,119 आवेदक लाइन में लगे हुए हैं। मेरठ सहारनपुर मंडल के राजकीय कॉलेज में कॉलेज से 13,166 एडेड कॉलेजों के 1,16,521 और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों से 1,88,432 स्टूडेंट्स आवेदक की जो लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि कहने चाहिए स्मार्टफोन और टैबलेट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वाधिक आवेदक मेरठ से 83,011 हैं, गाजियाबाद से 37,755, गौतम बुद्ध से यहाँ पर देख सकते हो 19,339 और हापुड़ से 16,624, यानी कि यहाँ पर आप सारी मतलब देख सकते हो इतने सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम आपको बिल्कुल लाइव दिखा देता हूँ, मुजफ्फरपुर से सॉरी बुलंदखंड से 58,740, शामली से 12,741, मुजफ्फरनगर से 30,144, सहारनपुर से, ये सारा आप देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है, स्मार्टफोन के लिए आवेदन किया है। कॉलेजों से कुछ डाटा नहीं भेजा गया है, ऐसे में आवेदकों की संख्या बढ़ सकती है। सरकार है दिसंबर में आपको टैबलेट स्मार्टफोन दे देगी, ठीक है ना, यानी कि दिसंबर तक आपको ये सारा लाभ मिल जाएगा। अब रही बात, देखिए यहां पर एक न्यूज और निकल के आ रही है, 70 दृष्टि बाधित बच्चों को मिलेगा टैबलेट, यानी कि दृष्टि बाधित का मतलब जो होता है दिव्यांग बच्चों की जो प्रतिभा निखारने के लिए जो हमारी सरकार है, वो ऐसे बच्चे जो 70 ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए 70 बच्चों के लिए टैबलेट दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 70 बच्चों के लिए टैबलेट दिया जाएगा जो दिव्यांग हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और 14 वर्ष से इन बच्चों को मतलब ये चीज मिलने वाला है लाभ, ठीक है ना, तो इनको वही लाभ मिलने वाला है, ठीक है। और रही बात, यहाँ पर आप देख सकते हो स्कूल आने वाली बालिकाओं को भी आर्थिक मदद मिल जाएगी, ठीक है, इनसे, ठीक है, इन चीजों से। तो भाई आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।